हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक टॉपिक्स रिगार्डिंग जेनेटिक्स यूनिट, एंड दिस टॉपिक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द CSIR नेट गेट लाइफ साइंस, एंड इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग फॉर देयर MSc एंड द BSc कोर्सेज। एक्चुअली आई हैव सीन वन क्वेश्चन फ्रॉम CSIR नेट इन विच ऑल दिस फोर डिफरेंट टॉपिक वेर मेंशन इन द ऑप्शन, सो आई थॉट दैट इट वुड बी गुड टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस टॉपिक, एंड आफ्टर दैट आई वी कैन जंप टू दैट क्वेश्चन। That question was quite interesting, so I thought that it would be better if I can share that question with you. And that question has been asked in, I think, 2017 December. So today we are going to talk about the conditional mutants, then we are going to move to a phenocopy, then penetrance, and lastly we are going to talk about the pleiotropy. जेनेटिक्स पार्ट से जो पार्ट बी में क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप के होते हैं। लाइक आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दिया होता है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछते हैं कि इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे और इसी ऑप्शन से रिलेटेड मतलब बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। वो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, आई थिंक आपका वो हार्डली 10 मिनट लेंगे समझने में, लेकिन वो ईजी के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ वो स्कोरिंग भी हैं। तो अगर उनके बारे में हमको मालूम पड़ जाता है तो वो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाते हैं, लेकिन होता यह है कि इस पर स्टूडेंट ज़्यादा टाइम स्पेंड करते नहीं है, इसलिए वो समहाउ वो टॉपिक टफ लगने लगते हैं। वीडियो के एंड में हम जेनेटिक्स यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे। लाइक हम बात करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, टफ़ जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनका लेवल क्या होता है, उनको अटैम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितना मिनट एक क्वेश्चन को देना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक्स एक ऐसा पार्ट है जो कि न्यूमेरिकल वे में आता है तो बहुत टाइम लेता है अगर आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो। तो हम इसी बारे में बात करेंगे, तो आप इसे शॉर्ट टिप्स और टिप्स मान सकते हो जो कि हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अभी हम नॉर्मल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अबाउट द कंडीशनल म्यूटेंट्स। सो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कंडीशनल म्यूटेंट्स यानी वो म्यूटेंट्स जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में जनरेट होते हैं। सो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। सो द कंडीशनल म्यूटेंट म्यूटेशन इज अ म्यूटेशन दैट हैज़ वाइल्ड टाइप फिनोटाइप अंडर अ सर्टन परमिसिव इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड अ म्यूटेंट टाइप म्यूटेंट फिनोटाइप अंडर अ सर्टन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। So first we should have to know that what is permissive condition or environment or what is restrictive condition. So permissive condition is that normal condition in which the overall metabolism of a particular organisms remain in a very normal condition. Fine. That like we are having a body temperature of a 37 degree Celsius. That is our permissive temperature of a body. But restricted temperature or restrictive condition means what? So the condition which is unfavorable for our organisms, or it is just against the environment in which the organisms used to persist, that condition will be regarded as the restrictive conditions. A mutation that is only expressed under the certain environmental condition, for example, the temperature sensitive mutants. सो कंडीशनल म्यूटेंट का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन जो कि जनरेट किया गया हो या प्रोवाइड किया गया हो, उस कंडीशन में जनरेट होने वाले म्यूटेंट्स को हम कहते हैं कंडीशनल म्यूटेंट्स, क्योंकि वो किसी कंडीशन में जनरेट हो रहे हैं। वो एक नॉर्मल अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट है तो उसमें वो जनरेट नहीं होंगे, उन्हें कोई कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स। नाम से मालूम पड़ रहा है कि वो म्यूटेंट्स जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव हैं या टेम्परेचर के सेंसिटिव होने के कारण वो म्यूटेंट्स जनरेट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल temperature sensitive mutants are variants variants of gene that allow normal function of the organisms at low temperature but alter function at a high temperatures. So these temperature sensitive mutants, they used to perform very normally at a low temperature, but if you provide a high temperature at that time, they are going to convert themselves into a temperature sensitive mutants, or normally you can call it as a mutant. So what is actually happening, the low temperature is a permissive temperature for these kind of organism which is going to show a temperature sensitive mutation, and the high temperature is supposed to be the restrictive condition in which this mutation is going to be generated. The next line is most temperature sensitive mutation affect protein and cause loss of a protein function at the non-permissive temperature. The permissive temperature is one at which the protein typically can fold properly or remain properly folded. At high temperature, the protein is unstable and ceases to function properly. So the reason behind the generation of this temperature sensitive mutant is that at high temperature, all the different protein that are present in an organism that is supposed to be denature, and you know that protein is one of the most important essential thing that is required for the proper functioning of a body. Okay, and this condition is mainly applied for all the different organism. So that is the main reason that why this high temperature is going to create a temperature sensitive mutant. And mutant means you all know that there is a lack or deficiency of some of the property as compared to the non-mutant organism. So conditional mutants वो म्यूटेंट्स होते हैं
जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक म्यूटेशन फिनोटाइप को अडॉप्ट कर लेते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स। टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो लो टेम्परेचर पे तो एकदम नॉर्मली काम करते हैं, यानी वो अपने वाइल्ड टाइप फॉर्म में रहते हैं, लेकिन अगर उनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया जाए तो उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, और वो जो म्यूटेंट फिनोटाइप जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स। और होता है एक्चुअली क्यों है ये, इसके पीछे की वजह क्या है, वो ये है कि लो टेम्परेचर पे क्या होता है, नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन की फोल्डिंग, ये सब एकदम नॉर्मली रहती है जैसा होना चाहिए। लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स है वो अनस्टेबल हो जाती हैं, कोई 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 प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाती हैं, किसी किसी प्रोटीन का जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाता है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो एज अ म्यूटेंट में ग्रो हो जाता है। With this, I hope the concept of conditional mutants is now clear to you. The next topic of discussion is about the phenocopy. Fine. So let's first see the definition and then we will talk about the concept. So the phenotype that is not genetically controlled but look like genetically controlled one is called the phenocopy. It is an environmentally induced phenotype that resembles the phenotype determined by the genotype. The main concept behind the phenocopy is that it is a phenomenon in which there is a particular phenotype in an organism, okay? And that phenotype is supposed to be like, it is going to be controlled genetically, but somehow that phenotype has been generated due to some environmental effect. And this thing used to make a confusion that whether this phenotype has been arised due to a genetic effect or due to some environmental effect. The second point is, the phenocopy is a variation in a phenotype which is caused by environmental conditions, such that the organism's phenotype matches a phenotype which is determined by a genetic factors. It is not a type of a mutation because it is not heritable. Phenocopy को समझने के लिए थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मुझे नहीं मालूम है कितने स्टूडेंट्स को जीनोटाइप फिनोटाइप के बीच का जो डिफरेंस होता है वो पता है, क्योंकि अगर इनके बीच का डिफरेंस आपको नहीं पता है या इनके बीच के डिफरेंस का मतलब कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको फिनोकॉपी नहीं समझ में आने वाला है, और अगर गलती से समझ में भी आ गया तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से एक रिविजन भी हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं फिनोटाइप क्या होता है। सपोज कीजिए कि दो फ्लावर है, एक फ्लावर है पिंक कलर का, एक फ्लावर है ब्लू कलर का। आप अपनी आंखों से देख के उसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, क्योंकि वो आपको मतलब उनके बीच में डिफरेंस इतना है कि वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होती हैं जिनको कि हम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिनोटाइप। ओके, वो आप अपनी आंखों से देख रहे हो इसलिए उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। अब बात करते हैं जीनोटाइप क्या होता है। एज बिकॉज ये जो आपने पिंक फ्लावर और ब्लू फ्लावर का हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए पिंक फ्लावर के पीछे जो जीन्स हैं, ओके, जो जिसको हम मेनली जेनेटिक्स टर्म में एलील्स बोलते हैं क्योंकि वो पेयर्स में होते हैं। तो जो एलील्स है पिंक फ्लावर के लिए वो है कैपिटल टी या फिर आप सपोज कर लीजिए कैपिटल पी, फाइन। लेकिन जो जीनोटाइप है ब्लू फ्लावर के लिए वो है स्मॉल पी एंड स्मॉल पी। तो कैपिटल पी पी जो है वो अगर वो प्रेजेंट है, वो जीन का पेयर अगर प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर फ्लावर में, तो जो फ्लावर जनरेट होगा वो होगा पिंक। लेकिन अगर स्मॉल पी का पेयर मौजूद है या फिर स्मॉल पी का एलील मौजूद है तो उस टाइम जो फ्लावर जनरेट होगा वो होगा ब्लू। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं जीनोटाइप, जिसमें कि एलील्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसे हम बोलते हैं जीनोटाइप, जिसमें कि डिफरेंट एलील्स हमको जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर दिख रहा है उसके पीछे का हमें रीजन पता होता है कि कौन से एलील्स या कौन से पेयर के एलील्स जो हैं इस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जबकि फिनोटाइप क्या होता है, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो हमें नजर आ रहा है। जीनोटाइप हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है तब मालूम पड़ता है कि इस फ्लावर के कलर के पीछे ये जीनोटाइप जो है रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फिनोटाइप जो होता है वो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, इजिली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, लेकिन जीनोटाइप जो है उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बट दिस इज ओनली फॉर द जनरल कंडीशन। किसी कोई कोई एक्सेप्शनल केस आप ऐसे देखोगे जिसमें कि आंखों से भी आपको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वो सारे केसेस जो है वो अलग अलग कंडीशन में अप्लाई होते हैं। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस फिनोकॉपी, अभी के लिए ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसके थ्रू मैं आपको समझा सकती हूँ कि फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिनोकॉपी, दैट व्हाट इज फिनोकॉपी। फाइन, तो फिनोकॉपी एक वो फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो कि ऐसा लग रहा है कि वो जेनेटिकली कंट्रोल हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी के जीन्स जो है उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, बट उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि वो इन्वायरमेंटल के किसी फैक्टर के थ्रू इंड्यूस हुआ है या फिर कंट्रोल हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, मतलब एक फुलिश टाइप का एक फिनोमिना हो रहा है कि एक्चुअल में लग रहा है कि ये जीन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, लेकिन उसको एक्चुअल में कंट्रोल करने वाले कौन से फैक्टर हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्हें हम बोलते हैं फिनोकॉपी। फाइन, इसके बाद भी कुछ अलग अलग वे हैं जिसके थ्रू फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर जीन्स के थ्रू ही कंट्रोल होकर आया है या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अवेलेबल है इसके पीछे। सो विद दिस एक्सप्लेनेशन वी कैन से दैट द फिनोकॉपी इज अ टाइप ऑफ फिनोमिना इन विच अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज सपोज टू बी कंट्रोल्ड बाई जेनेटिकली, बट इन द एक्चुअल फिनोमिना और द एक्चुअल फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट फिनोटाइप और कैरेक्टर इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स।
So we are going to take a lot of example to understand this phenomena. So the first example is a dietary deficiency of a vitamin D, for example, produces a rickets that is virtually indistinguishable from a genetically caused rickets. सो टोटल दो टाइप के रिकेट्स होते हैं. एक होता है जेनेटिकली इंड्यूस होता है, यानी आपके आपकी बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स अवेलेबल हैं जो कि रिकेट्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. और एक और वजह है जो कि है डाइट्री डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी का कमी हो गया है तो वो भी रिकेट्स को फॉर्म करेगा. अब आपने देखा कि एक तो फैक्टर, दोनों की दोनों डिजीज जो है वो सेम है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ है उनका कॉजिटिव एजेंट में. पहला कॉजिटिव एजेंट क्या हो रहा है आपकी बॉडी में से ही आ रहा है, दैट इज जेनेटिकली कंट्रोल. आपके जीन्स रिस्पॉन्सिबल है रिकेट्स को फॉर्म करने में. लेकिन इसके अलावा भी एक और फैक्टर है कि अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी नहीं मिलेगा तो भी आपको रिकेट्स हो जाएगा. अब बताइए, अब एक पर्टिकुलर आप ह्यूमन को कंसीडर कर लीजिए, उसको रिकेट्स है. अब ये पता करना कि उसको रिकेट्स क्यों है, जेनेटिकली उसके अंदर कुछ जीन्स ऐसे मौजूद थे जिन्होंने रिकेट्स को फॉर्म किया, या फिर विटामिन डी की कमी से उसको रिकेट्स हो गए. तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया. तो यही जो ओवरऑल फिनोमिना है उसे हम बोलते हैं फिनोकॉपी. अब क्या लगेगा कि ये जो रिकेट्स है वो जेनेटिकली शायद हुआ है, लेकिन माइट भी ऐसा हो सकता है कि वो एक्चुअल में विटामिन डी की कमी से हुआ हो. तो इसे बोलते हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि जेनेटिकली कंट्रोल हैं ऐसे दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई और फैक्टर होता है लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि यहाँ पे है विटामिन डी. देर आर सम मोर एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग दिस फिनोकॉपी. सो द बटरफ्लाई जीनस वेनेसा कैन चेंज फिनोटाइप बेस्ड ऑन द लोकल टेम्परेचर. इफ इंट्रोड्यूस टू अ लैब प्लांट दे मिमिक बटरफ्लाइज लोकलाइज टू दिस एरिया, एंड इफ इट इज लोकलाइज टू सीरिया देन इट मिमिक्स द बटरफ्लाई ऑफ दिस एरिया. सो एक बटरफ्लाई की जीनस है जिसको हम बोलते हैं वेनेसा. इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करके, यानी ओवरऑल लोकल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करके ये खुद की मिमिक्री करते हैं. यानी अगर इनको एक लैब प्लांट नाम की एक जगह है जहाँ पे इनको अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए उस एरिया में, तो ये क्या करेंगी, ये उन सारी बटरफ्लाइज की मिमिक्री कर लेंगी जो उस लोकलाइज एरिया में मौजूद हैं. फाइन. और उसके अलावा अगर इनको लाइक अलग एरिया में शिफ्ट कर दिया जाए लाइक सीरिया में, तो ये वहाँ की बटरफ्लाइज की तरह मिमिक्री करेंगी. तो इससे अगेन क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बटरफ्लाई जो है वो एक्चुअली इस एरिया की है और कौन सी जो है वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट लाइक लोकल टेम्परेचर की वजह से क्रिएट हुई है, या फिर मिमिक्री के थ्रू वो कैरेक्टर उसने अडॉप्ट किया है. तो अगेन यहाँ भी आप ये चेंज देख सकते हैं जो कि डिफाइन कर रहा है व्हाट इज़ फिनोकॉपी. और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फिनोकॉपी का. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द फिनोकॉपी कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन अ हिमालयन रैबिट्स. वेन रेज इन अ मॉडरेट टेम्परेचर हिमालयन रैबिट्स आर वाइट इन कलर विथ अ ब्लैक टेल नोज ईयर्स एंड मेकिंग देम फिनोटिपिकली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द जेनेटिकली ब्लैक रैबिट. हाउ एवर वेन रेज इन द कोल्ड टेम्परेचर हिमालयन रैबिट्स शो अ ब्लैक कलरेशन ऑन देर कोट रिजेंबलिंग द जेनेटिकली ब्लैक रैबिट्स. हेंस दिस हिमालयन रैबिट इज अ फिनोकॉपी ऑफ द जेनेटिकली ब्लैक रैबिट. अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द फिनोकॉपी इन विच यू कैन सी द ओवरऑल चेंजिंग इन अ rabbit coat color and depending upon the particular temperature of that area. The next example, a person who is genetically diabetic whose deficiency is reversed by taking a insulin appeared to have a normal genotype even though he is still genetically diabetic. Fourth example, for bacteria the phenotype of E. coli is F plus cell which is supposed to carry a F factor, that means a F plasmid, and it will be regarded as a good donor, okay, and poor recipient, because F plus cell are always a good donor but a poor recipient, that you should remember. So the bacteria for the bacteria the phenotype of a E. coli, that is the F plus cell, is converted by a long incubation in a stationary phase into a cell which are good recipient and a poor donor, that is they are F minus phenocopies. तो अगर आप एक ईकोलाई के स्ट्रेन को लें जो कि मेनली एफ प्लस सेल है क्योंकि उसके पास एफ फैक्टर है, फाइन. और आपको पता है कि एफ फैक्टर को और हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं और या फिर एफ प्लाज्मिड भी बोलते हैं. तो जितने भी ईकोलाई हैं जिनके पास ये एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर होगा उन्हें हम बोलते हैं एफ प्लस सेल. और ये हमेशा एज अ डोनर काम करती हैं फॉर दिस फर्टिलिटी फैक्टर, और इसलिए इनको गुड डोनर एज वेल एज पुअर रिसिपियंट माना जाता है क्योंकि इनको रिसीव करने की जरूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ अपना जो एफ फैक्टर है या फर्टिलिटी फैक्टर है उसे डोनेट करने की जरूरत है टू द एफ माइनस इकोलाइज सेल्स. तो इसमें हो क्या रहा है कि अगर एक एफ प्लस सेल को बहुत ही लंबे टाइम के लिए इंक्यूबेशन पीरियड में रखा जाए, वो भी एक स्टेशनरी फेज में, फाइन. तो अगर हम इकोलाइज सेल को जो कि है एफ प्लस, उसको अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए एक इंक्यूबेशन स्टेज में रखें तो क्या होगा, वो जो एफ प्लस सेल था वो अब एफ माइनस सेल में बदल जाएगा, ठीक है. और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सारा है. लाइक बोलते हैं कि अगर बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इकोलाई को रखोगे तो उसका जो प्लाज्मिड होता है उसका क्योरिंग हो जाता है, मतलब वो प्लाज्मिड जो है वो बॉडी से लॉस्ट हो जाता है. और अगर प्लाज्मिड लॉस्ट हो गया तो ऑब्वियसली अब वो एफ प्लस तो रह नहीं गया, क्योंकि उसका नाम ही एफ प्लस इसलिए है क्योंकि उसके पास एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर है. और अगर वो फर्टिलिटी फैक्टर नहीं रहा तो ऑब्वियसली अब वो एफ माइनस बन चुका है. तो इस वे में अगर टेम्परेचर पर डिपेंड होकर हम देखें तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या हो रहा है कि
एक एफ प्लस सेल जो है वो एफ माइनस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में पहले पहले क्या लगेगा कि एफ माइनस सेल अलग है, एफ प्लस सेल अलग है, क्योंकि उनका जेनेटिक जो मेकअप है वो अलग है, फाइन। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि है टेम्परेचर, वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है एफ प्लस को एफ माइनस में कन्वर्ट होने में। लेकिन इनिशियली ये क्या लगेगा कि दो अलग अलग सेल हैं, एक है एफ प्लस सेल, एक है एफ माइनस सेल। तो अगेन यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो फैक्टर या कैरेक्टर है एफ प्लस या एफ माइनस का, या फिर आप फर्टिलिटी फैक्टर्स का बोल सकते हो, वो इनिशियली ऐसा लग रहा है कि वो जेनेटिकली कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि उसके क्योंकि एफ माइनस सेल के अंदर एफ प्लाज्मिड नहीं है। बट एक्चुअल में क्या हुआ है कि इनकी लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड के कारण क्या हुआ है कि एफ प्लस सेल जो है उसका जो फर्टिलिटी फैक्टर है वो लॉस्ट हो गया है, इसलिए वो एफ माइनस सेल में कन्वर्ट हो गया है। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अबाउट द पेनिट्रेंस। सो लेट्स फर्स्ट सी द डेफिनेशन। द एक्सटेंट टू विच अ पर्टिकुलर जीन और द सेट ऑफ जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप ऑफ अ इंडिविजुअल्स कैरिंग इट, मेजर बाय द प्रपोर्शन ऑफ अ कैरियर शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक फिनोटाइप। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज पेनिट्रेंस मेजर द प्रपोर्शन ऑफ अ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन हु कैरी अ स्पेसिफिक जीन एंड एक्सप्रेस द रिलेटेड ट्रेट्स। देयर फोर पेनिट्रेंस इज अ मेजर ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ जीनोटाइप एंड अ फिनोटाइप। इन अदर वर्ड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक जीन इन एन ऑर्गेनिज्म एंड द ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। सीधी लैंग्वेज में बोले तो पेनिट्रेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हमें ये मालूम पड़ता है कि एक पर्टिकुलर जो जीन है अगर वो किसी पॉपुलेशन में किसी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है तो वो कितने प्रपोर्शन में खुद को एक्सप्रेस करेगी, या फिर एक्सप्रेस करेगी भी या नहीं करेगी। अगर वो एक्सप्रेस करती है तो वो कैरेक्टर उसमें नज़र आएगा, एक्सप्रेस नहीं करती है तो वो कैरेक्टर उसमें नज़र नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के पास सेम जीन है लेकिन सिर्फ एक ही इंडिविजुअल उस जीन से रिलेटेड जो कैरेक्टर है उसे डिस्प्ले कर पा रहा है और दूसरा जो इंडिविजुअल है वो कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इसको और बेटर वे में समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए दो ट्विन्स हैं, फाइन। उनके पास मान लीजिए कि एक एफ नाम का जीन है। वो एफ नाम का जीन क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रोलिंग ऑफ टंग के लिए, फाइन। मतलब जिसके पास वो जीन होगा वो टंग को रोल कर पाएगा। पर समहाउ ये क्या है, एक प्रपोर्शन है, ये एक प्रोबेबिलिटी है पेनिट्रेंस जो है। तो हो क्या रहा है, ट्विन्स में से किसी एक के पास ही वो जो जीन है वो एक्सप्रेस करेगा, यानी सिर्फ एक ही ट्विन्स जो है वो खुद के टंग को रोल कर सकता है और दूसरा जो ट्विन्स है उसके पास भी वो जीन है लेकिन वो जो टंग है उसको रोल नहीं कर पा रहा है। मतलब ये हुआ है कि दोनों के पास जीन्स हैं लेकिन कोई एक ही एक्सप्रेस कर पा रहा है, और इसे हम बोलते हैं पेनिट्रेंस। सो द पेनिट्रेंस ऑफ एन इंडिविजुअल दैट शो अ पर्टिकुलर फिनोटाइप अमंग दोज कैपेबल ऑफ शोइंग इट इज नोन एज द पेनिट्रेंस। और एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम पॉलीडक्टाइलिटी इन ह्यूमन बींग्स का, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हाथ में क्या होता है, मोर देन फाइव फिंगर्स होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीडक्टाइल कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, ये जो कंडीशन है उसके लिए डोमिनेंट जीन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर देखा ये गया है कि अगर होमोजाइगस रिसेसिव या फिर हेटरोजाइगस अगर इंडिविजुअल हैं तो उनमें पॉलीडक्टाइलिटी का जो कैरेक्टर है वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर डोमिनेंट करेक्टर डोमिनेंट एलील अगर उस पर्टिकुलर पर्सन में है तब जो है वो पॉलीडक्टाइलिटी या फिर पॉलीडक्टाइल जो ओवरऑल हैंड का कंडीशन है वो जनरेट हो जाता है। सो इन दिस वे अ डोमिनेंट एलील प्रोड्यूसेस अ पॉलीडक्टाइलिटी इन ह्यूमन, बट नॉट ऑल ह्यूमन विद दिस एलील आर गोइंग टू डिस्प्ले द एक्स्ट्रा डिजिट और द एक्स्ट्रा फिंगर इन अ हैंड। So this penitence can be of a two type. First will be a complete penitence and second is a incomplete penitence. So in case of a complete penitence, all the individual in a population who carry a specific genotype express the corresponding phenotype. That means the population in which this gene has been expressed, all the individual that is present in that population, they are supposed to show the same character that was supposed to be shown by that particular gene. But if you talk about the incomplete penetrance, then you can say see that in a figure that in case of the incomplete penetrance, less than 100% of the individual who bears a particular genotype express the corresponding phenotype. That means all these individuals are going to have the genes for that particular character. But somehow, only a few individual is going to show the expression of that gene, or you can say that they are going to show the character corresponding to that gene. Not all the individuals are going to involve in this penetrance effect. So this is called the incomplete penetrance, in which there is a genes which is responsible for that particular character. It is present in all the individuals, but somehow only a few individuals is going to show a character corresponding to that gene. तो समरी की बात करें तो कंप्लीट पेनिट्रेंस जो होता है उसमें क्या होता है, एक पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सारे इंडिविजुअल्स के पास वो पर्टिकुलर जीन होगा और वो उसे एक्सप्रेस करेंगे, यानी सिमिलर कैरेक्टर शो करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट पेनिट्रेंस। इसका अपोजिट होता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। यहाँ पे भी क्या होता है, सारे इंडिविजुअल्स के पास वो पर्टिकुलर जीन है जो कि उस करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को शो कर सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि उस जीन को एक्चुअली एक्सप्रेस करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। अभी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें कि मैंने ट्विन्स के प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, जिसमें कि रोलिंग ऑफ टंग का मैंने जिक्र किया था,
तो वो जो एग्जाम्पल था वो था इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का, क्योंकि जो जीन्स थे वो दोनों दोनों में ही मौजूद थे, क्योंकि वो ट्विंस हैं तो वो जीन दोनों में ही थे, लेकिन समहाउ सिर्फ एक ही चाइल्ड ने जो है उस जीन को एक्सप्रेस किया, क्योंकि वो एक ही चाइल्ड के पास एक कैरेक्टर था कि वो टंग को रोल कर सकता है, दूसरे के पास एक कैरेक्टर नहीं था। तो ये एक एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का। द लास्ट टॉपिक इज अ प्लियोट्रॉपी एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक टू। सो द टर्म प्लियोट्रॉपी रेफर टू द इफेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन ऑन मोर देन वन कैरेक्टर और ट्रेट। तो सीधी और सरल भाषा में बोलें तो एक जीन जो है वो मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, उसे उस फिनोमेना को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अ जीन फॉर अ वाइट आई इन ड्रोसोफिला ऑल्सो अफेक्ट द शेप ऑफ अ ऑर्गन्स इन फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म स्टोरेज एज वेल एज द अदर ऑर्गन। आई थिंक इसमें कुछ आपको एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ही जीन जो है वो ड्रोसोफिला का वाइट आई जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, और वही जीन जो है वो एक ऐसा ऑर्गन जनरेट करने में हेल्प कर रहा है जिसमें कि क्या होता है, फीमेल जो है वो स्पर्म को स्टोर करके रखती है और साथ ही साथ कुछ और ऑर्गन भी जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। तो इसी वे में एक जीन का मल्टीपल फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है, सिकल सेल्ड इंडिविजुअल सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ अ प्रॉब्लम्स ऑल ऑफ विच आर प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट ऑफ अ सिकल सेल एलील। तो एक पेशेंट जो कि सिकल सेल के डिजीज से सफर कर रहा है, वो उसके साथ कुछ और भी हेल्थ प्रॉब्लम शो करता है, और ये सारी की सारी हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो सिकल सेल के एलील जो होते हैं उन्हीं के थ्रू ही कंट्रोल होती हैं। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है फ्रिजल ट्रेट इन चिकन्स। वॉट एक्चुअली हैपन इन दिस ट्रेट इज दैट द प्राइमरी रिजल्ट ऑफ द जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रिजल ट्रेट इज टू प्रोड्यूस अ डिफेक्टिव फेदर, ओके, एंड द सेकेंडरी रिजल्ट आर बोथ गुड एंड बैड। गुड इंक्लूड द इंक्रीज एडेप्टेशन टू अ वार्म टेम्परेचर, बैड इंक्लूड द इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, डिक्रीज एग लेइंग एंड चेंज इन हार्ट एज वेल एज किडनी एंड स्प्लीन। सो सिमिलरली इन दिस वे वी कैन से दैट द फ्रिजल ट्रेट इन अ चिकन इज ऑल्सो गोइंग टू शो अ प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट बिकॉज इट इज गोइंग टू अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द ईयर ऑफ 2017 दिसंबर। सो अ रिसर्चर एक्सपोज ड्रोसोफिला लार्वा टू 37 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग देयर ग्रोथ। वन ऑफ द एडल्ट फ्लाइज दैट इमर्ज हैड अ क्रॉस वेनलेस फिनोटाइप। क्रॉस वेनलेस इज अ नोन म्यूटेंट इन ड्रोसोफिला। वेन दिस क्रॉस वेनलेस फ्लाई वॉज क्रॉस टू अ नोन क्रॉस वेनलेस म्यूटेंट फ्लाई ऑल द प्रोजेनी हैड अ नॉर्मल फिनोटाइप। द ऑब्जर्व फिनोटाइप कैन बी अ बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज अ एग्जाम्पल ऑफ। सो दे हैव गिवन यू टोटल फोर ऑप्शन। फर्स्ट इज द कंडीशनल म्यूटेंट, सेकेंड इज द फिनोकॉपी, थर्ड इज द पेनिट्रेंस एंड फोर्थ इज द प्लियोट्रॉपी। एंड दे हैव गिवन यू ऑल द डिफरेंट कंडीशन इन विच अ ड्रोसोफिला हैज बीन केप्ट और शोन अ डिफरेंट कैरेक्टर। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडीशन यू हैव टू चूज दैट दिस एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर विच ऑफ द फिनोमिना दैट हैज बीन गिवन इन द ऑप्शन। पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले लाइन में ये बोला गया है कि ड्रोसोफिला के लार्वा को अगर 37 डिग्री पे ग्रोथ करवाई जाए तो जो एडल्ट फ्लाई जनरेट होता है वो होता है क्रॉस वेनलेस फिनोटाइप को शो करता है। ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद इन्होंने पॉइंट क्या बोला है कि एक म्यूटेशन केस भी होता है ड्रोसोफिला में, जिसकी वजह से क्या होता है क्रॉस वेनलेस फिनोटाइप का जनरेशन होता है। यानी यहाँ पे एक जो क्रॉस वेनलेस जो कैरेक्टर है वो एक नॉर्मल स्टेट में भी जनरेट हो रहा है और एक म्यूटेंट स्टेट में भी जनरेट हो रहा है। जिन्होंने ये वीडियो अच्छे से सुना है या अच्छे से समझा है या फिर जिनका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, आई थिंक उनको यहाँ पे ही हिंट मिल गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि एक जो क्रॉस वेनलेस फिनोटाइप है वो जेनेटिकली कंट्रोल हो रहा है अगर 37 डिग्री सेल्सियस पे ड्रोसोफिला के लार्वा को ग्रोथ करवाया जाए तो, और दूसरा जो म्यूटेंट फिनोटाइप है वो भी क्रॉस वेनलेस के फिनोटाइप को ही शो कर रहा है लेकिन वो म्यूटेंट है। फाइन, यानी वो किसी कारण से म्यूटेशन कंडीशन में इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। यानी एक जेनेटिकली भी जो कैरेक्टर है वो क्रॉस वेनलेस है एज वेल एज एक म्यूटेंट कैरेक्टर है वो भी क्रॉस वेनलेस है। तो अगेन यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि अगर एक क्रॉस वेनलेस फ्लाई जनरेट होता है तो अब वो जेनेटिकली कंट्रोल होकर जनरेट हुआ है या फिर वो किसी म्यूटेशन के कारण जनरेट हुआ है या फिर किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण जनरेट हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है कि इस म्यूटेंट क्रॉस वेनलेस फ्लाई को नॉर्मल क्रॉस वेनलेस फ्लाई के साथ जो है क्रॉस किया गया। फाइन, मतलब उनके में मेटिंग करवाई गई। तो जो ऑब्जर्व फिनोटाइप आया वो ये था कि जितने भी फिनोटाइप मिले, मतलब ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप जो मिले वो पूरे के पूरे नॉर्मल थे, किसी में भी म्यूटेशन नहीं हुआ था और ये जेनेटिकली पता चला। तो अब इसके पीछे कौन सा फिनोमिना है, देखिए अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक्चुअली क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये जो क्रॉस वेनलेस कैरेक्टर था अगर वो जेनेटिकली कंट्रोल हो रहा था तो वो जो कैरेक्टर है या फिर ये जो म्यूटेशन था वो जेनेटिकली कंट्रोल था तो ये जो म्यूटेशन था वो ऑफस्प्रिंग में भी आना चाहिए था। तो अगर कोई भी म्यूटेशन जो कि जेनेटिकली जनरेट हो रहा है या कॉज हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो एक एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। लेकिन कोई ऐसा म्यूटेशन जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण कॉज हो रहा है
तो वो हेरिटेबल नहीं है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। और वही यहाँ पे हुआ कि क्रॉस वेनलेस म्यूटेंट को नॉर्मल फ्लाई के साथ जब क्रॉस किया गया तो जितने भी ऑफस्प्रिंग मिले वो सभी के सभी नॉर्मल थे। इससे ये मालूम पड़ा कि ये जो म्यूटेशन क्रिएट हुआ था जो कि क्रॉस वेनलेस फिनोटाइप शो कर रहा था वो जेनेटिकली कंट्रोल नहीं था, वो किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण कंट्रोल हुआ था। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ऑब्वियसली दैट इज़ अ फिनोकॉपी। क्योंकि फिनोकॉपी में क्या होता है, ऐसा कैरेक्टर जो कि ऐसा लगता है कि वो जीनोटाइप या फिर जीन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि उसे कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर कंट्रोल कर रहा होता है या फिर एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो इसे हम बोलते हैं फिनोकॉपी। तो जो भी कंडीशन इस क्वेश्चन में डिफाइन की गई है अगर आप उसको फिनोकॉपी के ओवरऑल प्रॉपर्टी के साथ मैच करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी अ सेकेंड ऑप्शन, दैट इज द फिनोकॉपी। अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करने की बात करें तो ये कंडीशनल म्यूटेंट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन प्रोवाइड नहीं की गई है जिससे कि हमें ये मालूम पड़े कि हाँ इस कंडीशन में ये म्यूटेंट जनरेट हुआ है, और कुछ मेंशन भी नहीं किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। सेकेंड ऑप्शन हम बोल रहे हैं कि हाँ सेकेंड ऑप्शन को करेक्ट होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन की बात है पेनिट्रेंस। पेनिट्रेंस जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा कि ये क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव मेजर है जिसमें कि एक पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स को मेजर किया जाता है कि कितने अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल या कितने परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल जो है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो कर रहे हैं और कितने इंडिविजुअल शो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया है तो ये भी नहीं हो सकता है। फोर्थ जो कैरेक्टर है वो बोला गया था प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी का भी हमने पढ़ा कि एक जीन अगर मल्टीपल फंक्शन करता है या मल्टीपल एक्सप्रेशन या फिर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो उसे हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो भी कंडीशन अवेलेबल या फिर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, फिनोकॉपी। क्योंकि यही इकलौता ऐसा फिनोमिना है जो कि ओवरऑल डिफाइन कर रहा है जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज द आंसर नंबर टू। अब बात करते हैं टिप्स की कि जेनेटिक्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो कुछ टिप्स मैं आज दे देती हूँ, बाकी टिप्स मैं आने वाले नेक्स्ट जेनेटिक्स के वीडियो में दे दूंगी, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें मैक्सिमम कंडीशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि जस्ट हमने अभी ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा। अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल दे देंगे आपको और उसके बाद पूछेंगे कि ये एग्जाम्पल जो है वो किस फिनोमिना को शो कर रहा है। ऑल्दो सिर्फ यही चार फिनोमिना नहीं है जेनेटिक्स में, बहुत सारे हैं, मोर देन आई थिंक 30 to 40 डिफरेंट टाइप के फिनोमिना हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है मेनली आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। और इसमें करना क्या होता है, अगर आपने ढंग से कंसेप्ट आपका क्लियर है एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके तो आप इजीली पहचान पाते हो कि हाँ ये जो एग्जाम्पल दिया गया है वो एक्चुअल में किस फिनोमिना को शो कर रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि कौन सा ऑप्शन, अगर आपको अच्छे से पता है कि हाँ ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो है वो इस फिनोमिना के साथ मैच हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको उस पर टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली आंसर को चूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कुछ एक पर्टिकुलर एक से दो ऑप्शन में कन्फ्यूज हो गए हैं कि कौन सा होगा, तो उनके लिए पहले यही सजेशन दूंगी मैं कि जो गलत ऑप्शन है उनको पहले एलिमिनेट कर दे ताकि गलतियाँ होने के चांसेस जो हैं वो उनका थोड़ा सा रिडक्शन हो जाए। नेक्स्ट जेनेटिक्स के वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्ट सी के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व कैसे करना चाहिए, क्योंकि पार्ट बी के जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं उसी के नॉलेज पे होते हैं, लेकिन पार्ट सी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़े से मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं, न्यूमेरिकल टाइप भी आ जाते हैं, कुछ कुछ लेंदी न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं जो कि आपका बहुत टाइम लेते हैं। तो उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए या फिर कितना टाइम देना चाहिए कितना टाइम नहीं देना चाहिए, इन सब के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। If you are new to my channel, you can subscribe my channel for getting more different videos on CSIR, NET and GATE Life Science. And along with that, don't forget to hit that bell icon so that you will be notified with my each and every new video uploads. Thank you for watching.